हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अफान हैदर एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल फिल्मी गुरुजी। दोस्तों, कैटरीना कैफ बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक बहुत ही अच्छी और क्यूट एक्ट्रेस हैं, लेकिन अब जिस फिल्म के अंदर कैटरीना कैफ नज़र आने वाली हैं वो एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली, जिसमें कैटरीना कैफ लोगों को अपनी एक्टिंग से डराती हुई नज़र आएंगी और इस फिल्म का नाम है फ़ोन भूत। दोस्तों, इस फिल्म के अंदर आप लोगों को कैटरीना कैफ के साथ सिद्धांत चतुर्वेदी और ईशान खट्टर भी नज़र आएंगे, जो पहली बार कैटरीना कैफ के साथ बड़े पर्दे पर नज़र आएंगे। इसके अलावा इस फिल्म में जैकी श्रॉफ भी नज़र आने वाले हैं, जो शायद इस फिल्म के अंदर विलेन का रोल निभाते हुए नज़र आ सकते हैं। इस फिल्म का पोस्टर देखने में बहुत ही फनी लग रहा है और इसको देखकर लगता है कि कैटरीना कैफ इस फिल्म के अंदर कुछ मैजिकल पावर दिखाती हुई नज़र आएंगी। दोस्तों, दिसंबर 2021 में विक्की कौशल के साथ शादी के बंधन में बंधने के बाद कैटरीना कैफ की पहली फिल्म रिलीज होने वाली है और इसके बाद कैटरीना कैफ सलमान खान के साथ टाइगर 3 में नज़र आने वाली हैं। दोस्तों, फोन भूत फिल्म का निर्देशन गुरमीत सिंह द्वारा किया गया है और इसके निर्माता रितेश सिद्धवानी और फरहान अख्तर हैं। इसके अलावा फिल्म की कहानी रविशंकरन और जसविंदर सिंह बाथ ने लिखी है और फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रेजेंट किया जा रहा है। अब अगर इस फिल्म की रिलीज डेट की बात करें तो दोस्तों, यह फिल्म आप लोगों को 4 नवंबर 2022 को आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप लोग कैटरीना कैफ के इस नए रूप को देखने के लिए कितना एक्साइटेड हैं और आपको क्या लगता है कि यह फिल्म सिनेमाघरों में कुछ खास कर पाएगी या नहीं, क्योंकि एक से बढ़कर एक बॉलीवुड की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हो रही हैं। तो क्या यह फिल्म ऐसे में बॉक्स ऑफिस पर कुछ अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी या नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि एक वीडियो में बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर आप लोग चाहें थे कि ऐसे ही आने वाली फिल्मों की लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले पता चले, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर करना बिल्कुल ना भूलें। तो अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ ऐसे ही किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।